ना मैं लाठी खाने से डरता हूँ, ना मैं उनकी पानी की बौछारों से डरता हूँ, ना वो आंसू गैस का इस्तेमाल करें, जो करना कर लें। वैसे मैं जैसे साहब के साथ रहती थी, ऐसे ही मैं चिराग के साथ। मेरे परिवार को तोड़कर देख लिया, मेरी पार्टी को मुझसे, मुझे ही मेरी पार्टी से अलग करके देख लिया। तो जितना आपको करना है मेरे साथ, अब लाठियां चलानी है कि मुझे गिरफ्तार करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से स्वतंत्र है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज देखिए अपनी माँ के साथ, अपने परिवार के साथ पटना पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए चिराग पासवान अपने परिवार के साथ आज जो है पटना पहुंचे हैं। और सीधे आप समझिए तो चिराग पासवान की 15 तारीख से जो मार्च शुरू होने वाली है गांधी मैदान से लेकर के, यह मार्च जो है राजभवन तक का होगा। और इसके लिए आज चिराग पासवान देखिए पटना पहुंचे हैं। और पटना एयरपोर्ट पे चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा है, आप सुने। इधर इधर से हटवाइए ना, थोड़ा दूर ना बैठो, हटिए। ए उपाध्यक्ष जी, अरे चलो पीछे पीछे थोड़ा इधर आ जाइए ना, कर हरा रहा है, थोड़ा पीछे निकाल रहा है। ए हट जाइए मैडम, है क्या बात आता है पटना। माँ के साथ आया हूँ, पूरे परिवार के साथ आया हूँ। सिस्टर हैं, उनके दोनों बच्चे हैं, जीजा जी हैं, पूरा परिवार आज लंबे समय के बाद पटना में सब लोग एक ही साथ हैं। लंबे समय तक अब यहाँ पर रुकने का है, क्योंकि मेरी एक लंबी लड़ाई है, लंबा आंदोलन है, जिसका आगाज़ हम लोग 15 तारीख से कर रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मेरा परिवार यहाँ पर रहे, साथ में सब लोग रहते हैं। तो जो दिल्ली जाना होता है, तो इसलिए मैंने आग्रह किया। तो इस बार लंबे समय तक मम्मी, परिवार पूरा, सिस्टर, उनके बच्चे सब लोग अभी यहीं पे ही हैं। सड़कों पर उतरना है, संघर्ष करना है, हो सकता है चिराग पासवान को लाठी भी खाना पड़े। बिल्कुल तैयार हैं। और यही वादा मैंने अपने तमाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम कार्यकर्ताओं से किया है कि आगामी 15 तारीख को जो मौजूदा सरकार की कुव्यवस्था और कुनीतियों के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जब सड़क पर उतरेगी, अगर पहली लाठी चलेगी शासन प्रशासन की तरफ से, तो वो चिराग पासवान खुद अपने सर पर लेगा। तो ना मैं लाठी खाने से डरता हूँ, ना मैं उनकी पानी की बौछारों से डरता हूँ, ना वो आंसू गैस का इस्तेमाल करें, जो करना कर लें। भाई आपने पहले ही सारी शक्तियाँ इस्तेमाल करके देख लिया, मेरे परिवार को तोड़कर देख लिया, मेरी पार्टी को मुझसे, मुझे ही मेरी पार्टी से अलग करके देख लिया। तो जितना आपको करना है मेरे साथ, अब लाठियाँ चलानी है कि मुझे गिरफ्तार करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, पर मैं जिस बिहार को लेकर, मैं महामहिम राज्यपाल जी के समक्ष बिहार की जिन तकलीफों को लेकर, भाई आज बिहार बचाओ मार्च पर अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को निकलना पड़ा है, मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी 2 बार बिहार बचाओ यात्रा पर निकले थे, और दोनों बार उन्होंने बिहार सरकार की कुनीतियों के खिलाफ उन्होंने मजबूती से संघर्ष उन्होंने किया था। उन्हीं का अंश आज उन्हीं के नक्शों कदमों पर चलते हुए बिहार बचाओ मार्च लेकर हम लोग निकले हैं। और बिहार को बचाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से शराबबंदी में एक के बाद एक जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं, यहीं पर बालिका सुधार गृह में जिस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों को देह व्यापार में जबरन उनको घसीटा जा रहा है, जिस तरीके से शिक्षकों पर, छात्रों पर लाठियां चलाई जा रही हैं, वार्ड सचिवों पर लाठियां चलाई जा रही हैं, ममता आशा कर्मियां जिस तरीके से परेशान हैं, जिस तरीके से 19 लाख रोजगार का वादा करने के बाद आपने एक रोजगार अभी तक किसी पीड़ित परिवार को नहीं दिया, अनुसूचित जाति जनजाति में जिस तरीके से छात्रावासों को आपने जबरन खाली करवाया है, तो इन तमाम बातों को लेकर आगामी 15 तारीख को, 15 फरवरी को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गांधी मैदान से लेकर राज्यपाल राजभवन तक महामहिम राज्यपाल जी से
हम लोग मिलने का हम लोग प्रयास करेंगे और उनको लिखित ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। देखिए मुझे तो जरूर बूस्टर मिलेगा, बाकी कार्यकर्ताओं को मिल रहा है कि नहीं यही बताएंगे। नीतीश कुमार इसलिए कहते हैं आपको कि कुछ पता है कितना हमदार जी या कितना रोजगार दिया कुछ पता है? भाई बता दीजिए हमको मुख्यमंत्री जी, जो आप बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि आपको कुछ पता है, वो तो सब हर किसी के लिए कहते हैं। जब उन्हीं की उप मुख्यमंत्री साहिबा जब इस बात का जिक्र करती हैं कि केंद्र ज़्यादा राशि बिहार को दे रहा है बनिस्बत अगर विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो वो मुख्यमंत्री साहिबा को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि अरे उनको कुछ पता है, वो कुछ जानती हैं। हम अगर कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं अरे इनको कुछ पता है, कुछ जानता है। छात्र सड़क पर उतरते हैं तो बोलते हैं इन लोगों को कुछ पता है। अरे मुख्यमंत्री जी अगर सब आप ही को पता है, अगर सब कुछ आप ही जानते हैं तो एक बार बता दीजिए ना हम लोगों को, बता दीजिए कि आज जो बिहार को आपने इतना विकसित बना दिया, बिहार का हर व्यक्ति आज रोजगार पाकर बैठा हुआ है, यहाँ पर सब सुख सुविधाएं हो गई हैं, तो बता दीजिए कि इतना विकास आपने किया। हम तो यही जानना चाह रहे हैं ना कि पिछले 15 साल में अपनी सिर्फ 5 उपलब्धियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बता दें। जिस दिन वो बता देंगे मैं मान लूंगा कि उन्होंने काम किया। लेकिन चिराग जी आज ये कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को समाजवादी नेता बताया। भाई उन्होंने उनको जिस अर्थ में समाजवादी कहा है, अगर परिवारवाद को आगे नहीं लेकर जाना एक समाजवाद का अगर एक पहलू है तो हाँ सही बात है भाई, उसमें मैं क्या टिप्पणी करूँ। उनके परिवार से हकीकत है कि नहीं, और इस बात को तो मैं भी स्वीकारता हूँ, तो इसमें क्या गलत बात कही प्रधानमंत्री जी ने। आपकी माँ से बात करेंगे थोड़ा सा। मैडम कितनी खुश हैं आप, पहली बार पटना आई हैं? मैं बहुत खुश हूँ, इसका संघर्ष देख करके बहुत। हर मुसीबत में आप उनके साथ? बिल्कुल लगता है चट्टान की तरह, जैसे पापा हमेशा साथ रहते थे ऐसे मैं जैसे साहब के साथ रहती थी ऐसे ही मैं चिराग के साथ। पूरी संघर्ष करने की ताकत आप जुटा ली? बिल्कुल। चिराग पासवान, 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 च